बुधवार को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय नीमका में जहांगीर खान लेक्चरर की अध्यक्षता में युवा ग्राम पंचायत का आयोजन किया गया, जिसके द्वारा युवाओं को ग्राम पंचायत की कार्यशैली से अवगत कराया गया। इस युवा ग्राम पंचायत में छात्र छात्राओं को पंचायत के बारे में छोटी से बड़ी सभी प्रकार की जानकारी दी गई। इस कार्यक्रम में छात्र छात्राओं ने विभिन्न सामाजिक विकास के मुद्दों पर चर्चा की। युवा ग्राम पंचायत में सरपंच का रोल छात्रा अकलीमा ने किया तो सचिव का रोल छात्र सद्दाम ने किया। प्राचार्य बनी लक्ष्मी तो बिजली बोर्ड की SDO बनी नजमा व SMO हिजा एवं आंगनवाड़ी सुपरवाइजर बनी सबाना तथा थाना प्रभारी SHO बने आकिल तथा सभी छात्र छात्राओं ने युवा ग्राम पंचायत में रोल अदा कर बेहतरीन प्रदर्शन किया। युवा ग्राम पंचायत में गांव के युवक भी मौजूद रहे। नीमका से MTV हरियाणा के लिए मोहम्मद असलम की रिपोर्ट। हमारे SCRT गुड़गावा और डाइट मालव के सौजन्य से युवा ग्राम पंचायत प्रोग्राम जिला स्तरीय कराया जा रहा है। इसमें सर हमने 5 स्कूलों को पूरे ज़िला से सेलेक्ट किया है। नुहू में से हमने GSS मालव स्कूल में, ताउडू से सीनियर सेकेंडरी धुलावट स्कूल और फिरोजपुर झिरका में GSS रावली और नगीना में GSS नगीना और आज यहाँ पुनहाना ब्लॉक में ये अंतिम स्कूल आज जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल नीमका में ये प्रोग्राम कराया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि हम युवाओं को ग्राम पंचायत के बारे में अवेयर करें, उनको जागरूक करें कि ग्राम पंचायत में सरपंच का क्या कार्य है, सेक्रेटरी का क्या कार्य है और किस तरह से हम आम जनता, गांव के जो लोग हैं वो अपनी समस्याओं को किस तरह से ग्राम सभा में रख सकते हैं। तो हमारे जो SCRT का, डाइट मालव का और एजुकेशन डिपार्टमेंट का जो मुख्य उद्देश्य है वो यही है कि युवाओं को जागरूक करना। ये पूरे डिस्ट्रिक्ट में से 5 स्कूलों को सेलेक्ट किया है। 5 स्कूलों में हमने ये प्रोग्राम करा रहे हैं। इसके लिए अलग से जो जूरी मेंबर्स हमारे बनाए हुए हैं, हमने अलग अलग जो पॉलिटिकल साइंस के जो लेक्चरर्स हैं, जिसमें विनोद कुमार नापा जी है लेक्चरर हैं वो आपके ताउडू ब्लॉक से, और हमारे फरेंद्र गुप्ता जी हैं वो भी पॉलिटिकल साइंस के हैं, और हमारे तीसरे एक और जूरी मेंबर हैं। तो ये 3 जूरी मेंबर हैं, अलग अलग स्कूल में हम जाते हैं, वहाँ पर इस प्रोग्राम को कंडक्ट करा करके 5ों का रिज़ल्ट हम कंपेयर करेंगे। जब इन 5ों स्कूलों में से जो स्कूल बेस्ट परफॉर्मेंस देगा उसको हम स्टेट लेवल के लिए भेजेंगे। सरकार ने युवा ग्राम पंचायत का जो शिक्षा विभाग द्वारा बच्चों को के लिए दिया है, इसका मुख्य उद्देश्य बच्चों को ग्राम पंचायत की कार्यशैली से अवगत कराना है कि ग्राम पंचायत किस तरीके से कार्य करती है और ग्राम पंचायत के क्या क्या कार्य हैं, क्या क्या दायित्व हैं और वो किस किस क्षेत्र में अपना काम कर सकती है तथा गांव के सभी नागरिकों का उसमें क्या क्या योगदान होता है तथा ग्राम पंचायत के द्वारा हम विभिन्न समस्याओं का किस तरीके से अपना समाधान कर सकते हैं। सबसे पहले मैं पत्रकार महोदय आपका स्वागत करता हूँ। मैं विनोद नापा, लेक्चरर पॉलिटिकल साइंस, सीनियर सेकेंडरी स्कूल चारोड़ा। गवर्नमेंट की एक पहल रही है और उसमें मैं कहूँ कि हमारे शिक्षा विभाग ने इससे पहले एक यूथ पार्लियामेंट का प्रोग्राम चलाया और अब ये जो है हर ब्लॉक में, हमारे डिस्ट्रिक्ट के जो 5 ब्लॉक हैं उनमें ये युवा ग्राम सभा का ये आयोजन किया। तो 5ों ब्लॉक में आज ये अंतिम ब्लॉक है पुनहाना का, सीनियर सेकेंडरी स्कूल नीम का आज यहाँ पहुँचे। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि बच्चों को जो है ग्राम पंचायत की जो कार्यशैली है, ग्राम पंचायत कैसे गाँव में काम करती है, क्योंकि हमारे 3 लेवल होते हैं, उनका जो सबसे जो नीचे का लेवल है स्थानीय, जिसको सरकार बोलते हैं, ये एक ग्राम पंचायत है। तो उसमें आज यहाँ नीमका स्कूल के बच्चों ने बहुत अच्छा जो है प्रदर्शन किया, सभी ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया। तो मैं एक बार पूरे विद्यालय का और बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू। अपनी बात रख सकता हूँ? हाँ, आप भी रखो। जो तालाब की खुदाई चल रही है, अगर उसकी मिट्टी को सरकारी स्कूल के मैदान में डलवा दिया जाए और उसको समतल कर दिया जाए तो कैसा रहेगा? क्यों भाइयों, क्या सभी में डालने के लिए सहमत हैं? जैसा कि सचिव जी ने पिछली बैठक की कार्रवाई पढ़कर सुनाई, तालाब का पानी निकलवा दिया गया है और खुदाई चल रही है,
डॉक्टर के खाली पद को भरने के लिए ग्राम पंचायत के प्रारूप सरकार के पास भेज दिया गया है। हम बार बार अनुपस्थित रहने वाले विद्यार्थियों के माता पिता से मिले हैं। इसके बाद विद्यार्थियों की उपस्थिति बढ़ी है। गांव के प्रमुख जगहों पर डस्टबिन रखवा दिए गए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लोगों के मकान बनाने में पहली किस्त खर्च कर दी है, उन्हें दूसरी किस्त दिलवाई जा चुकी है।